नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महिला को मारकर घायल और लूटपाट करने के मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या और लूटकांड का उद्भेदन एसपी किशोर कौशल ने मुफस्सिल थाना परिसर में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 1 अप्रैल को मल भंडारो गाँव निवासी कुसमी देवी को अपराधियों ने लकड़ी के ठेंगा से प्रहार कर घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने महिला को फोन पर बात करने के समय प्रहार कर सोने के नाक के कान का और गले के चैन छीन भाग गए थे। बाद में महिला को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जहां वर्धमान में इलाज के क्रम में महिला दम तोड़ दी थी। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई थी। एसपी ने हत्या का कारण महिला से उधार की रकम चुकता करने को लेकर बार बार दबाव बनाना बताया। उन्होंने बताया कि अपराधी गांव के ही हैं, जो महिला से 12,000 रुपए नकदी उधार लिए थे, जिसे चुकता करने को लेकर महिला दबाव बनाया करती थी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत माल भंडारो गाँव में एक वृद्ध महिला के साथ में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट करके चोटिल करने का मामला दर्ज कराया गया था। वो महिला घायल हुई और बाद में उनकी अस्पताल में उनकी डेथ भी हो गई, उनका देहांत हो गया। इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया, पूरे मामले का खुलासा किया गया है, कांड का उद्भेदन हुआ है, जिसमें ये बात उभर करके आई कि उसी गांव के रहने वाले दो युवकों के द्वारा महिला के साथ लूटपाट की गई थी और उसके बाद उसको चोटिल किया गया, जिसके क्रमशः उनकी मृत्यु। इन दोनों व्यक्ति जो थे, उनका महिला के साथ जो है उधार लिया हुआ था, इन लोगों ने महिला से और महिला के द्वारा जब भी पैसे की मांग की जाती थी तो उनके द्वारा उसमें आनाकानी की जाती थी। उस दिन ये दोनों व्यक्ति नशे की हालत में थे और महिला के पास पहुंचे ये लोग और महिला के साथ इन्होंने लूटपाट की। उनका जो कान का और नाक का जो सोने का गहना था और जो चेन था उसकी उसको उन्होंने लूट लिया वहाँ से और महिला को छोटे तरीके से मार लिया। वो दोनों ही व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं। झारखंड में गुमला थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप आपसी विवाद में पूजा मेडिकल को पुलिस के सहयोग से खाली कराया गया। पूजा मेडिकल पिछले 20 वर्षों से था और खाली नहीं किया जा रहा था। खाली करने के बाद से डरा धमका रहा था, जिसे पुलिस को लिखित आवेदन दिया। जमीन में पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसे गुमला पुलिस की तत्परता से खाली कराया गया, जिससे लोगों में खुशी देखने को मिली। वहीं जमीन मालिक ने बताया कि पूजा मेडिकल भाड़े में लिया था, खाली नहीं करने से पुलिस का सहयोग लिया गया और उसे खाली कराया गया। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने भी बताया, थाने में लिखित आवेदन के अनुसार दुकान को खाली कराया गया। सबका जमीन बंटवारा करके सब अपना अपना मकान बना लिया। अच्छा, थाना में कौन लिखित आवेदन दिया? आगे लिखित रुपया दिया उसके बाद कि हमको मारने पीटने खोज रहा है, लड़ाई कर रहा है, गोड़ हाथ तोड़ने खोज रहा है, 250,000 रुपया हमको कहा है कि 50,000 रुपया मानो कि तुमको हम दे रहे हैं, तुम केस उठा लो। हम रुपेश को बोले हैं नहीं तो 1,00,000 रुपया हम दे करके तुम लोग को गोड़ हाथ तोड़वा देंगे। कभी हम ऐसा कभी बोलवे नहीं किए। यहाँ पर जो दुकानदार थे उनको ये दोनों लोग दुकान नहीं खाली करने दे रहे थे और ये स्वेच्छा से चाह रहे थे कि हम दुकान खाली करते, तो वे आवेदन दिए, एक एग्रीमेंट दिए लिखित कि हमको दुकान खाली करा दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी आलोक में दुकान सिर्फ खाली कराया गया है और ये लोग का पुराना दुश्मनी है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो चलते रहेगा। मामला तो कोर्ट में भी चल रहा है ना? मामला कोर्ट में चल रहा है, जमीन का और अथी का, दुकान का कोई मामला नहीं है। जमीन मेरी वाइफ के नाम से, वर्षा देवी अग्रवाल के नाम से जमीन बेची। इन लोग का अपना परिवार में 6 हिस्सा पहले हो चुका है, 5 लड़का लोग का एक अपना हिस्सा मिला करके 6 हिस्सा की थी। सबसे अपना अपना मकान उकान बना लिया है सब लड़का लोग। वो अपना हिस्सा अब यहाँ नहीं रहना चाहती है, अपना छोटा बेटा के पास जा रही है, बेच करके हमको जा रही है। तो मेरा खरीदने के पहले से पूजा मेडिकल भाड़ा में था, उस टाइम लिया था ये खाली कर देंगे, तो खाली नहीं हो रहा था तो वही अभी खाली किया है। और वो
झारखंड दुमका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालसा व झालसा के आदेश के आलोक में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमल नयन पांडे और जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल नाथ पांडे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर करीब 100 वादों का निपटारा करते हुए कुल 38,89,518 रुपए की राशि समायोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह डीएलसी के प्रभारी सचिव संजय कुमार दुबे, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्र, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के मनीष कुमार मिश्रा, संबंधित बैंक के प्रतिनिधि सहित अधिवक्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दुमका जिला में दुमका जिले विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया गया था। आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 4 बेंचों का गठन किया गया था और प्रत्येक बेंच में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और एग्जीक्यूटिव के मेंबरान थे। आज के लोक अदालत में तकरीबन 70 केसों का निपटारा किया गया। 39 लाख रुपए की रकम समायोजित की गई या सेटल किया गया और इस तरह से आज का राष्ट्रीय लोक अदालत काफ़ी सफल रहा। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं को और आम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। बिहार में पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा में शुक्रवार शाम में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का उद्देश्य उन्नाव व कठुआ के बेटी को इंसाफ देने के लिए यह कैंडल मार्च चंपारण का सबसे बड़ा कैंडल मार्च था। कैंडल मार्च लगभग 15 किलोमीटर दूर तक निकाला गया। सामाजिक कार्यकर्ता हमी दुजमा उर्फ राजा के नेतृत्व में सिकटा विधानसभा के बहरा गाँव से कैंडल मार्च शुरू की गई और लठियाई, झुमका, सिरिसिया, भवानीपुर होते हुए सिकटा में खत्म किया गया, जिसमें अलग अलग गांव के आम लोगों द्वारा अपना पूर्ण सहयोग दिया गया। बताया कि भारत सरकार द्वारा दिया गया नारा बेटी बचाओ देश बचाओ की जगह बलात्कारियों से बेटी बचाओ देश बचाओ का नारा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा कानून पारित हो कि बलात्कारियों को एक हफ्ते में फांसी की सजा दें। साथ ही हमीदुज्जमा उर्फ राजा ने कहा आसिफा को जल्द से जल्द इंसाफ दी जाए ताकि दूसरी आसिफा बलि न चढ़ जाए। वही समाज सेवी डॉक्टर प्रिंस ने मार्च के माध्यम से कहा कि देश में हो रहे तमाम बेटियों पर अत्याचार, रेप और हत्या के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका को कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि दूसरी आसिफा और निर्भया जैसे कोई दोहराने से पहले 100 बार सोचे। ये आसिफा बहन जो हमारी बहन थी उसके साथ जो गैंग रेप हुआ उसके दोषियों को फांसी हो और उन्नाव में जो विधायक रेप करता है उसको कड़ी से कड़ी फांसी हो और उसके विधायक का ये है सदस्यता उससे उसको बर्खास्त किया जाए। हमारी सरकार से ये मांग है। अगर ये मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो इस इंसाफ मार्च के ये रैली के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ मार्च के थ्रू कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बिहार में बेतिया के नौतन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नव निर्माण सड़क शिवराजपुर ढाला से करमेनी बाजार तक किया गया। सड़क का निर्माण हुए मात्र 2 दिन भी नहीं हुए सड़क जगह जगह टूटने लगा है। सड़क टूटते देख ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल कायम हो गया और संवेदक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और बवाल काटा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण लगभग 1.5 किलोमीटर निर्माण किया है और इसके निर्माण बजट में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करने थे। आश्चर्य इस बात से है कि सड़क का निर्माण रात में किया गया और 2 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। अब सड़क टूटने भी लगे हैं, इसमें घोर अनियमितता बरती गई, यह जांच का विषय है। वही सड़क निर्माता सुरेंद्र प्रसाद से फोन लाइन पर जब बात की गई तो उन्होंने कार्य मानक के अनुरूप बताया और फोन काट दिया। जो ये रोड का निर्माण हो रहा है उस इतना दूर लगभग 2 किलोमीटर से कुछ कम या ज़्यादा होगा, लेकिन 2 किलोमीटर के अंदर जो रोड बना है उसमें
हम आज सुबह गए और मीडिया लोगों के साथ गए तो हाथ से उखाड़ देने पर सब इसी तरह चट्टा से चट्टा उजड़ जाता है। आधा इंची का ये रोड रातों रात बनाया गया है, दिन में काम नहीं हुआ है, रात रात। जब यहाँ के लोग सुबह में उठकर देखा कि भाई रोड है, तो हम लोग जा गए, बन गया है रोड, तो जा कर के हम लोग देखे तो देखे कि भाई ये आधा इंच से कम इस रोड पर जो है सो मटेरियल गिरा करके किसी तरह प्लान किया गया है, और ये हाथ से उखाड़ देने पर पूरा रोड उखड़ जाएगा। और यहाँ तक कि हम लोग मैंने हमेशा आते जाते हैं ना, इस पर रोड़ा पत्थर कहीं से बिछाया गया है मैंने अच्छा क्वालिटी का, ना कभी इस पर रोलर चला है, ना कभी इस पर 5 बाल्टी पानी भिगा गया है, और एकदम जो है सो रातों रात जो है सो दो रात में ये पूरा रोड बन करके तैयार हो गया है। झारखंड के गिरिडीह जिले के निम्याघाट थाना क्षेत्र के पोरिया पंचायत अंतर्गत लाल बाजार हेटवार पुल के पास पेपर से लपटे एक जिंदा नवजात शिशु को हलचल करते झाड़ी में देख ग्रामीणों में खलबली मच गई। शनिवार सुबह जब कुछ ग्रामीण महिलाएं झाड़ी काटने हेटवार पुल के पास पहुंची तो झाड़ी में पेपर में लपटे एक नवजात को देख चहक उठी। फिर इस महिलाओं ने PLV प्रेमचंद महतो को फोन कर मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के पश्चात झालसा के केदार महतो एवं पोरिया के पंचायत समिति सदस्य राजकुमार महतो घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जानकारी लेते हुए निम्याघाट पुलिस सहित गिरिडीह चाइल्ड लाइन को सूचित किए। पुलिस द्वारा शिशु को अपने कब्जे में लेते हुए डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही गिरिडीह चाइल्ड लाइन शिशु की मृत्यु की सूचना पाकर रास्ते से वापस गिरिडीह लौट गई। ग्रामीणों का कहना था कि इसरी बाजार डुमरी तथा निम्याघाट में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों में ही अबॉर्शन कर शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा इन क्लिनिकों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करने के कारण इन क्लिनिक संचालकों का धंधा फल फूल रहा है। अगर समय रहते प्रशासन इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो कितने नवजात बिना मौत मारे जाएंगे। झारखंड गिरिडीह जिले के बेंगाबाद पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हुरसोडी के दो लड़के साइबर अपराध कर रहे हैं। पुलिस टीम बनाकर हुरसोडी में छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों के पास से एक मोटरसाइकिल, 86,000 रुपए नगद, 4 पैन कार्ड, 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 3 ATM, 6 बैंक पासबुक, 2 कैश बुक सहित कई अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों लड़के बेंगाबाद के हुरसोडी के निवासी हैं, जिसका नाम हीरालाल मंडल तथा मैनेजर कुमार मंडल है। इस बात की जानकारी गिरिडीह SDPO मनीष टोप्पो ने गिरिडीह पुराने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता कर दी। बेंगाबाद थाना प्रभारी और उनके टीम के द्वारा दो साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। सूचना मिल रही थी कि हुरसोडी के दो लड़के हैं जो साइबर अपराध करते हैं, जिला के अधिकारी बन करके लोगों को चुना लगाते हैं। इसी पर इनके द्वारा टीम बनाया गया और छापामारी की गई, जिनमें हुरसोडी के दो लड़के हीरालाल मंडल और मैनेजर कुमार मंडल, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, ATM 3, बैंक पासबुक 6, चेकबुक 2, मोटरसाइकिल 1, नगद 8,600 रुपये और आधार कार्ड, बैंक जमा निकासी पर्ची, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और काफ़ी संख्या में अन्य केस दर्ज कर लिया गया है। झारखंड दुमका में खनिज संपदा की चोरी और प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए माफियाओं ने एक गिरोह बनाकर अवैध ओवरलोडिंग का कारोबार फिर शुरू हो गया है। ये माफिया अपने गुर्गे के सहारे रात के अंधेरों में बालू चिप्स सहित अन्य खनिज संपदा पासिंग एजेंट बनाकर ओवरलोडेड वाहनों को बिहार एवं अन्य प्रदेशों की ओर प्रवेश करा रहे हैं। ये एजेंट अपने आका के इशारे पर जिले में बैठे चेकिंग पदाधिकारियों का लोकेशन की पूरी जानकारी लेकर सड़कों पर चलने वाली ओवरलोडेड ट्रक के चालकों को बताते हैं और जानकारी देकर रुपए वसूलते हैं। यह गोरखधंधा दुमका रामपुर हाट, दुमका देवघर, दुमका भागलपुर और दुमका पाकुड़ के रास्ते पर जारी है। बताया जाता है कि इसके सरदार आशुतोष नामक कोई शख्स है, जो बिहार के मुंगेर जिले में बैठकर अपने गुर्गे के सहारे बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को संभाले हुए है। इस एवज में एक मोटी राशि अवैध रूप से चलाने वाले वाहन मालिकों से ऐंठते हैं। इस कार्य में प्रत्येक ट्रकों से 4,000 तक की राशि प्रत्येक दिन वसूली जाती है।
जो झारखंड सहित बिहार के कई जिलों में ट्रक पास कराने के लिए अवैध रूप से ठेका लिए हुए हैं, जबकि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को रहते हुए भी पकड़ नहीं पा रही है। हालांकि प्रशासन के पदाधिकारी ऐसे लोगों को धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन चल रहे ऐसे कारोबार पर लगाम कैसे लगाती है। इतना वो मिली है और इधर गाड़ी चेकिंग के दरमियान भी ऐसा पता चला कि कोई पासिंग मास्टर है जो कुछ पैसे का फिक्स्ड अमाउंट है उसको लेकर के पूरा डिस्ट्रिक्ट पार कराने का ठेका लिए हुआ है। तो इससे तो हम लोगों की बदनामी तो होती है, साथ साथ राजस्व की भारी चोरी है ओवरलोड ट्रक को पार कराना। तो इससे हम लोग इसको जिला प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। हम लोग को भी अभी संज्ञान में आया है और कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि किस प्रशासन के नाम पे वसूली की जाती है और जिला से पासिंग करवाया जाता है और इस पे प्रशासन की पूरी तरह से बदनामी है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से पकड़ा जाए और इस संबंध में जिला प्रशासन को भी सूचना दी जाएगी और सतत प्रयास भी किया जा रहा है कि गलत तरीके से कोई कार्य ना करें, जो नियम संगत जिनका कागज है वो कार्य करें और उनको हम लोग किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं करेंगे और जो गलत तरह से कर रहे हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से रोक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला द्वारा भी प्रखंड को टीम बना करके इस पर सतत छापेमारी करने का निर्देश प्राप्त है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। दुमका में पासिंग होता है तो सोमनाथ से पासिंग कराते हैं, बाकी आगे मालिक देता है एंट्री मंथली। कहाँ पर पासिंग तुम्हारा एजेंट है और कितने पैसे देते हो? 600 रुपया देते हैं। और कहाँ पर देते हो? ये दुमका महारो मोड। ये लोग कहाँ से कहाँ तक पासिंग करा देगा? बस दुमके पर, मैंने यहाँ से शिकारीपाड़ा से दुमका तक। हाँ। क्या बोल के पासिंग कराते हो तुम लोग? गाड़ी नंबर बताते हैं, कहते हैं आओ। क्यों पासिंग है, पैसा देते हो? पासिंग का पैसा देते हैं जो सबको देने के लिए। हाँ, सबको देने के लिए। किसको देने के लिए? सबको देता है, TO DTO मोबाइल। तुम जानते हो देता है तुम्हारे सामने? लेता तो है देने के नाम पर। देने के नाम पर देता है, नहीं देता है। अब तुम क्यों देते हो पैसा? सर हम तो ओवरलोड है, मजबूरी है देना, इसलिए ताकि जो है कोई पकड़े नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में कुछ दिनों से चरमराई सफाई व्यवस्था अब ठीक होने वाली है। नगरीय प्रशासन द्वारा निगम के बहुत से सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके कारण लगभग 300 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। देर शाम उनकी बहाली की सूचना के बाद हड़ताल समाप्त हुआ। हड़ताल समाप्ति और कर्मचारियों की बहाली के लिए रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक रोशन लाल, निगम के पार्षदों, पदाधिकारियों के सार्थक प्रयास से राज्य शासन ने इनकी बहाली दोबारा कर ली। पिछले 2 दिन से राजधानी रायपुर में इसी गंभीर मसले को सुलझाने में रायगढ़ के विधायक रोशन लाल जी विशेष तौर पर प्रयासरत थे। उनके द्वारा बहाली की सूचना प्राप्त हुई। रोशन भैया निगम आयुक्त सफाई कर्मचारियों और निगम के जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली। इससे बहुत जल्दी सफाई व्यवस्था पटरी पर दौड़ने के आसार हैं। इस संबंध में जैसे मेरे संज्ञान में ये बात आई कि 126 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जा रहा है, मैं उस समय रायपुर में था। मैंने तत्काल पत्र बना करके रोहित यादव नगरीय निकाय के सचिव महोदय से और निरंजन दास संचालक महोदय से संपर्क किया, सारू वस्तु स्थिति ज्ञात करवाया कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित मत हो हमारा शहर, किसी भी प्रकार का चाहे डेंगू हो चाहे अन्य बीमारी। तो उन्होंने सारी बात समझ करके कहा कि आपके आयुक्त को बुलवाते हैं, कहाँ कैसे क्या गलती हो रही है सुधारेंगे। उन्होंने आयुक्त को बुलाया, सारी बातों को समझा। सारी बातों को समझने के बाद मैंने पुनः उनसे चर्चा की, पुनः चर्चा करने के बाद उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि लोगों ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कर्मचारी को वापस रखने के लिए कि अभी हमारे यहाँ जो है स्थिति ठीक नहीं है सफाई की और आने वाले समय में जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब आप जो है इसको बैठाएं और अभी हमको जो है इन 96 लोगों को रखने के लिए फिर से स्वीकृति प्रदान करें। तो वो प्रस्ताव शायद आयुक्त ने भेजा नहीं था उस समय समय से, तो वो शासन से एक पत्र आया था कि 96 कर्मचारियों को बैठाना है। तो उसके तहत जो 30 कर्मचारियों को पहले बैठाया गया, सफाई व्यवस्था बिगड़ी हमारे यहाँ, फिर सभी के संयुक्त प्रयास से, चाहे वो आयुक्त हों, सर के विधायक हो, कांग्रेस के लोग हों, हमारे पार्षदगण हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी ने जो है संयुक्त प्रयास करके जो है शासन तक ये बात पहुँचाई कि स्थिति यहाँ बिगड़ी हुई है और कभी भी जो है, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ डेंगू हो चुका है, दोबारा वो स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए जो है कर्मचारियों को अभी ना निकाला जाए।
छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिंदल प्रबंधन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ग्रामीण युवा 3 दिवसीय धरने पर पिछले 19 अप्रैल से बैठे हैं। आज उनके धरने का अंतिम दिन है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से जिंदल गेट के सामने चौक गोरखा में टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। आज प्रदर्शनकारियों और जिंदल प्रबंधन के बीच बैठक जारी है। ग्रामीण युवाओं ने बताया कि उनका यह आंदोलन भू विस्थापितों तथा पुनर्वास नीति के तहत रोजगार प्रदान करने को लेकर है। ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहित किए हुए 5 से 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक जमीन के बदले जीवन यापन के लिए रोजगार नहीं दिया गया है और जिन्हें रोजगार दिया गया है उन्हें ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें से कुछ लोगों को अनुचित तरीके से प्रबंधन द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है। ग्रामीण युवाओं ने कहा कि उन्हें आसपास के गांव के 500 से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त है। अभी फिलहाल 100 से 120 युवा धरने पर बैठे हैं। उनकी 10 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से कंपनी में स्थायी नौकरी, पेंशन तथा निःशक्त भू स्वामियों को भत्ता जैसी बातें प्रमुख रूप से हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।